कभी इमरजेंसी काम पड़ता है तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज व्लॉग बनाऊंगा मैं, और बहुत दिन से कुछ वीडियो आया नहीं है या व्लॉग आया नहीं है, इसके लिए सोचा आज जो हम डेली में कर रहे हैं अपना रूटीन जो है वो प्रॉपरली लोगों को बताए क्या है। तो सबसे पहले अभी एक्चुअली टाइम नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, आज लेट उठा मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ उठने के बाद, एक बर्फ़ का टुकड़ा लेता हूँ और फेस पे लगाता हूँ। ये क्यों लगाता हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन आदत हो गई है अभी। ठंडा भी लगता है गर्मी के सीज़न में और अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहता है ऐसा मैंने सुना है, तो इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये होने के बाद आज मुझे कुछ काम करने हैं, मैंने प्लान किया, क्योंकि घर पे बैठ के इतना बोर हो रहा हूँ तो सोचा घर में ही कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव करते हैं। तो जो अलमारी है मेरी वो मैं पेंट करने वाला हूँ, और सबसे पहले बहुत दिन हो गए बाइक और कार स्टार्ट किया हुआ, तो मैं पहले वो करूँगा। चाबी पे भी मारना ज़रूरी है, आ ही नहीं रहा है, लेकिन अभी डुप्लीकेट माल दिया है मेरे को। हर 5 या 6 दिन में आपकी बाइक और कार और स्कूटी स्टार्ट किया करो, क्योंकि उसकी जो बैटरी रहती है वो ड्रेन हो जाती है, और अगर ये आपको कभी इमरजेंसी काम पड़ता है तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए 5-6 दिन में एक बार गाड़ी स्टार्ट करो, 5-10 मिनट के लिए चालू रखो, और उसके बाद आप उसकी मूवमेंट भी कराओ, क्योंकि एक ही जगह पे अगर खड़ी रहती है बहुत दिन के लिए चेन रस्ट पकड़ना शुरू करती है, उसके बाद वर्किंग पार्ट्स जो रहते हैं तो वो जाम होने के चांसेस है। इसके लिए उसकी आगे पीछे क्यों होना, एक बार मूवमेंट कराओ और उसके बाद फिर रख दो। आपके साथ और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बचपन में जब मैं साइकिल चलाता था, एक बार यहाँ पे स्लिप हो गया मैं, और स्लिप होने के बाद स्किन छिल गई। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट स्किन, कि ये स्किन मेरी गई तो गई का, क्योंकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका था, तो मैं स्किन ढूंढ रहा था। अभी स्किन तो मिलने नहीं वाली, लेकिन मेरा उस टाइम पे जो दिमाग चल रहा था ना बहुत, वो ऐसा था। बचपन में जो हमने मस्ती की है वो अलग ही थी, और बहुत मज़े किए, लेकिन बहुत याद आती है अभी, जब पहले का जब सब देखते हैं ना अभी, तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है बचपन फिर से आ जाए। सिर्फ एक काम किया करो कि 4 दिन में या 5 दिन में आपकी कार एक बार स्टार्ट करो, जो विंडोज है वो ओपन करो, लेट द फ्रेश एयर कम इन, फ्रेश बोल सकते हैं अभी, और बस हैंड ब्रेक में कार ज़्यादा दिन मत रखो, क्योंकि जो लाइनर्स रहते हैं लाइनर्स, तो वो जाम होने के चांसेस है। तो मैंने भी अभी ये लूज़ रखा है हैंड ब्रेक, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और गाड़ी गियर में डाल के रखो, या तो टायर के आगे पीछे पत्थर लगा दो बस। One hour later. और ये सीज़न का पहला अमरस मिल्क शेक मैंने घर पर बनाया, सो अभी मैं वो पीऊँगा, उसके बाद अपनी अलमारी पेंट होगी। वाओ, सो ये अलमारी मुझे पेंट करनी है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे नाम लिखा है, किसने लिखा है मेरे को भी नहीं मालूम, ये ऐसे कुछ स्क्रैचेस है, फिर ये है, फिर ऐसे कुछ डॉट्स है। सो अभी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि न्यूज़पेपर जो है मैंने लॉकडाउन के पहले रद्दी वाले को दे दिया था, पेपर वाले को, नॉट रद्दी वाला, तो पेपर वाले को दे दिए थे, इसके लिए कोई भी सिंगल न्यूज़पेपर भी नहीं है घर पे, आवाज़ बहुत आता है।
ये अगर पार्ट आप देख सकते हो तो ये पुराना कलर है और ये नया मारा हुआ कलर है। ये सूखने के बाद डेफिनेटली एकदम चमकने वाला है। सी द डिफरेंस बिटवीन दिस कलर एंड दिस कलर। किधर गया? हाँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट या जो क्या बोलते हैं रिएक्शन जो आते हैं वो बहुत दिल धड़काने वाले होते हैं। सेम अभी होने वाला है, बट कोई नहीं, जब सूखेगा तो चमकने लगेगा और लॉकडाउन के बाद एक बार फिनिशिंग कर देंगे हम लोग और अपना कपाट, अपनी अलमारी एकदम फर्स्ट क्लास चमकेगी, नई लगेगी पूरी। मुझे लगा नहीं था इतने जल्दी ये ख़त्म होगा। और हाँ, और एक बार ये इसके लिए लाया था क्योंकि मेरी जो कार है उसमें एक डेंट लग गया था, तो कलर भी उसके साथ आया था। डेंट मतलब एक स्क्रैच आया था, तो कलर जो लगा था उसके लिए मैंने ये लाया था, लेकिन ये थोड़ा डार्क निकला और मेरी जो कार है उसका कलर थोड़ा लाइट है। ये यूज़ में तभी आया नहीं, तो सोचा अभी मैं इसको यूज़ करूँ, बट अभी भी पोपट हो गया मेरा। सो पबजी और स्नैक टाइम हो गया है ख़त्म। रोज़ 1.5 से 2 घंटे हम लोग पबजी खेलते हैं, मैं और मेरे भाई। उसके बाद स्नैक्स टाइम रहता है, उसके बाद मैं यूट्यूब वीडियोस ट्यूटोरियल देखता हूँ, और अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ जो आप लोग देख रहे हो। सो एक उसमें टाइम भी निकल जाता है, अपने को सीखने को भी मिलता है नया कुछ, और मज़ा भी आता है। पबजी एक्चुअली मैं कभी भी खेला नहीं हुआ, और मुझे एक ऐसा अपना क्लीन रिकॉर्ड रखना था कि पबजी और टिकटॉक मैंने ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया है। टिकटॉक तो मैं अभी भी यूज़ नहीं करता, मैं ना वीडियो देखता, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उन सब चीज़ों में, लेकिन पबजी खेलने के लिए मुझे लॉकडाउन ने मजबूर किया है। जब मेरे दोस्त लोग पबजी खेलते थे तो मैं उनको इतना ही बताता था कि यार कितना टाइम पास करते हो तुम लोग, ये सब चीज़ों में फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा चलो कहीं तो घूम के आते हैं। सो यही सब रहता था, लेकिन अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है और मज़ा भी आ रहा है पबजी खेलने में, उतना टाइम भी निकल जाता है, एक शेड्यूल ही अभी बन गया है कि इतने से इतने में हमें ये करना है। सो आई एम एन्जॉइंग माई शेड्यूल। आपका शेड्यूल आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन में हर कोई मजदूर अपने घर पर जा रहा है, एंड लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी देर विल बी अ टफ सिचुएशन इन द मार्केट, इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। जो एटलीस्ट लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 1 महीने तक तो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन रहने वाली है, सिर्फ 50% लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि बाकी के लोगों में तभी भी डर रहेगा थोड़ा सा। सारा खुल तो जाएगा, शॉप्स वगैरह, शॉप्स, मॉल, ये सब खुलेगा, लेकिन पब्लिक उतनी नहीं आएगी जितनी पहले आती थी। बट इसमें हमें हार नहीं माननी है, जो सिचुएशन अभी है उसको फेस करना तो है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास। बाकी आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता रहेगा, मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो एज ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। हाथ मेरा कहीं पे भी उड़ जाता है ऐसे टाइम पे। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, फैमिली टाइम स्पेंड करो, बस एंजॉय करो। टाटा।